आधे कप मैदे से बनाएं स्प्रिंग रोल। नमस्कार, आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल, जिसके लिए चाहिए हमें आलू और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हमें तोड़ना है। इसी तरह सारे आलू को तोड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में। इसमें डालेंगे जीरा, कटी हुई धनिया, हरी मिर्च कटी हुई, शिमला मिर्च कटा हुआ, टमाटर कटा हुआ और पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में डालना है। इसी तरह इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पनीर को डालना है। स्वाद अनुसार नमक, इसके बाद गरम मसाला, अमचूर पाउडर 1 चम्मच और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे कि जितना भी मटेरियल है सब अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब हम रोल शीट बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे, आधा कप मैदा लेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छे से इसे हमें घोलना है। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसी तरह इसे घोलना है। देखिए हमारा घोल तैयार हो चुका है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। एक पैन लेंगे, उसमें चम्मच से हम डालेंगे और इसे फैलाएंगे अच्छे से। इसी तरह चारों तरफ घुमाना है। और उसके बाद इसमें जो बचे एक्स्ट्रा उसे निकाल लेना है। अब इसे हम गैस में रखेंगे और स्लो आंच रहे। देखिए ये हल्का से पक चुका है, अब इसे हम निकालेंगे। देखिए कितना पतला बना हुआ है। अब इसमें हम तेल लगाएंगे और इसी तरह बना बना कर सारी सीट तैयार कर लेना है। हम सीट को रखेंगे और इसी तरह मसाला को इसी में रखकर रोल बनाएंगे। देखिए अच्छे से इस तरह रोल बनाते जाएंगे। देखिए अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। सारे रोल को इसी तरह बनाना है। इसी तरह सारे रोल को हम तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से।
स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुका है, देखिए अच्छे से। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। देखिए तेल गर्म हो चुका है। मैदे के घोल में दोनों साइड डुबा डुबा कर और तेल में डालना है। इसी तरह सारे रोल को डालना है। इससे हमारा स्प्रिंग रोल खुलेगा नहीं, अच्छे से पक जाएगा। इसे हम पलट पलट कर फ्राई करेंगे अच्छे से कि दोनों साइड पक जाए। देखिए अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह सभी को निकाल लेना है। हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना ही खूबसूरत है। और आप किसी भी चटनी के साथ आप खाइए। इसे एक बार ज़रूर बनाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।